अलवर के पशु चिकित्सालय के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर सौभाग्य दीक्ष शर्मा की आज पशु चिकित्सालय के बाथरूम में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनके गले पर काफी लंबा गहरा कट का निशान मिला है। उनके पास से सर्जिकल ब्लेड भी बरामद हुई है। प्रथम दृष्टया यह माना जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की, लेकिन आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। ना तो इस संबंध में परिवार ने कुछ जानकारी साझा की है और ना ही पुलिस ने। जानकारी के अनुसार अलवर का बीच का मोहल्ला निवासी डॉक्टर वरिष्ठ सर्जन सौभाग्य दीप शर्मा अलवर पशुपालन विभाग में चिकित्सक के पद पर तैनात थे। दोपहर करीब 2 बजे अस्पताल को बंद करना होता है और उससे थोड़ी देर पहले ही वह अपनी सीट से उठकर बाथरूम में चले गए थे। 2 बजे जब समय हुआ तो कर्मचारियों ने इनको आवाज लगाई, अस्पताल में तलाशा, लेकिन वह नहीं मिले। जब इनको फोन किया गया तो फोन की घंटी बाथरूम में बजने लगी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और बाथरूम का दरवाजा तोड़कर उन्हें देखा तो वह फर्श पर लहूलुहान हालत में पड़े थे। तुरंत उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में लाया गया। यहां मौजूद उनके दोस्त कवि विनीत चौहान ने बताया कि यह मेरे बचपन के दोस्त थे और हम स्कूल से कॉलेज साथ साथ पढ़े हैं। आज दोपहर को 3 बजे सूचना मिली थी कि गर्दन पर कट के निशान है और दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला गया था। उनके पास ही सर्जिकल ब्लेड मिली है। माना जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की, लेकिन अगर कोई और हादसा भी है तो पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। उन्होंने बताया कि इनके एक पुत्र और एक पुत्री है और पुत्र बेंगलोर में इंजीनियर है, जबकि बेटी डॉक्टर की पढ़ाई में आज इंटर्नशिप कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है। पशु चिकित्सालय जो भवानी टॉप पर है उसमें पोस्टेड है। मेरे बचपन के मित्र हैं, 9th क्लास से कॉलेज तक हम साथ साथ पढ़े, बहुत अच्छे थे। लेकिन आज अचानक मुझे 3-1 बजे सूचना मिली कि ऐसा ऐसा कुछ लग रहा है, या तो कोई गर्दन पर मार गया है उनके या खुद केस कर लिया। अब ये तो पुलिस तय करेगी कि सुसाइड केस है या मर्डर केस है, लेकिन जैसा उनके उससे लगता है कि न तो इनका कोई शत्रु था, न कोई ऐसे बहुत ज़्यादा घरेलू परेशानी भी नहीं थी, लेकिन क्यों हुआ है तो ईश्वर जानता है। लेकिन गले पर बहुत गहरा कट है, लगभग 12 इंच के आसपास, और गड्ढा जो है अंदर 3-4 इंच तक गहरे तक है, तो काफ़ी ब्लीडिंग हो गई है। उस हालत में मिली थी, वाहन की डेथ अंदर ही हो चुकी थी, जैसा पशु चिकित्सक लोग बता रहे हैं कि अंदर ही जब तोड़ के निकाला इनको, 2 बजे हॉस्पिटल बंद करना होता है, तो जब इनको आवाज़ दी, फोन पे घंटी बजाई तो अंदर बज रही थी बाथरूम में। वहाँ जाकर जब दरवाज़ा तोड़ा, पुलिस को बुलाया, तो अंदर जाके इनकी डेड बॉडी पड़ी मिली, और लगभग उस समय ही इनकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद सोलंकी हॉस्पिटल ले गए, जहाँ उन्हें मृत घोषित किया गया, और इस समय इनको पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गेट अंदर से बंद था, गेट अंदर से बंद था, चटका नहीं लगे, गेट अंदर से बंद था तो सुसाइड लग रहा है, ऐसा प्रथम दृष्टया कह सकते हैं। लेकिन घाव देखकर ऐसा लगता है कि क्या आदमी खुद इतना गहरा घाव मार सकता है क्या, वो जैसा कि परिवार का एक शक हो सकता है, वो सब इन्वेस्टिगेशन। ये सर्जिकल ब्लेड वहाँ पर मिली है पुलिस को, ऐसा खुद सर्जन थे, ये अपने महल चौक के पास में बीच के मॉल रहने वाले थे, काफी समय से लगे थे, और बहुत अच्छे शहर के प्रतिष्ठित। उनका एक बेटा इंजीनियर है बेंगलोर में, और बेटी है वो उसका डॉक्टर है, आज उसकी इंटर्नशिप पूरी हुई है और अब वो बरेली से चल रही है।